देखो जिहड़ा पंजाब पुलिस का रोल है जां पंजाब सरकार का रोल है जां केंद्र दी सरकार का रोल है, तिन्नां दा रोल है जिहड़ा इहदे ते पंजाब दे हर व्यक्ति नूं चिंता है, क्योंकि जो कुछ होया जो घटनाक्रम वापरिया मैं समझदा कि ये सारा स्क्रिप्टिड सीगा। लोगों भंबल भूसा पिया खड़ा सारी का, लोगों समझ नहीं आ रही कि हो की रहा है। निरंतर कदे कोई फोटो कदे किसी की कोई फोटो कदे किसी की कोई वीडियो कदे कदे कोई आ गया कदे कदे फड़ लिया कदे कदे कोई छड़ता। सो मैं समझदा कि मुकम्मल तौर पर ये स्क्रिप्टिड स्टोरी सरकारां दी है, ना केवल एक सरकार की दोनों सरकारां दी है। अज तो चार पांच महीने पहला तो एक ही गल कह रहे हैं कि ये सारा कुछ एजेंसीज का काम है, पंजाब दे नाल खिलवाड़ करना, पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं खराब करना। ईवन की विधानसभा भी मैं कहता बंदा इतों भजदा पुलिस कस्टडी तो फड़ दिल्ली पुलिस लेंदी है, कोई ना कोई दाल विच काला है। बहुत बार असी जथेदार साहब के विचारां नाल सहमत नहीं होंगे, लेकिन किसी भी संस्था के प्रति या किसी भी संस्था के कोई भी ना केवल जथेदार साहब किसी भी संस्था के कोई भी आगू ने मुखी ने उन्होंने बारे टिप्पा टिप्पणी करना कोई बहुत ही चंगी गल ते जायज़ गल नहीं है। इस पंजाबी शांति बहाल की है, अगर कोई शांति तोड़न की गल करेगा चाहे वह सिख है चाहे वह हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे वह गरीब भरा है, राजा वड़िंग ते कांग्रेस पार्टी खड़े होकर लड़ाई लड़ेगी। यार मैनू इस गल की कोई जानकारी नहीं है कि आस्ट्रेलिया हूँ आस्ट्रेलिया की जानकारी तो आस्ट्रेलिया के जवाब का मैं कि थोनू उत्तर दे सकता जी कि आस्ट्रेलिया किसी को फड़िया और किने फड़िया तो क्यों फड़िया, ना तो मेरे कोई तथ्य है ना मेरे कोई प्रूफ है, और जिस गल की जानकारी मुकम्मल ना हो मैं लगता टिप्पा टिप्पणी करनी कोई जायज नहीं। अमृतपाल फिर एक बार वीडियो सामने आई है जबकि सरेंडर करने दी चर्चावां चल रही पुलिस के रोल किस तरह देख रहे। देखो जिहड़ा पंजाब पुलिस का रोल है जां पंजाब सरकार का रोल है जां केंद्र की सरकार का रोल है, तिन्नां दा रोल है जिहड़ा इहदे ते पंजाब दे हर व्यक्ति नूं चिंता है, क्योंकि जो कुछ होया जो घटनाक्रम वापरिया मैं समझदा कि ये सारा स्क्रिप्टिड सीगा, एक फिल्म दे वांग होया। लोगों भंबल भूसा पिया खड़ा सारी का, लोगों नूं समझ नहीं आ रही कि हो की रहा है। निरंतर कदे कोई फोटो कदे किसी की कोई फोटो कदे किसी की कोई वीडियो कदे कदे कोई आ गया कदे कदे फड़ लिया कदे कदे कोई छड़ता। सो मैं समझदा कि मुकम्मल तौर पर ये स्क्रिप्टिड स्टोरी सरकारां दी है, ना केवल एक सरकार की दोनों सरकारां दी है। ये पंजाब पुलिस का जमा फेल हो गया, जिहड़ा मिशन इन्होंने चलाया से मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। और मैं एक गल जरूर कहनी चाहना जिथे कि बहुत सारे जिथे कोई कार्रवाई करनी सी तो कार्रवाई हो ही नहीं, जिहदे पिछे ये सारा अडंबर रचा गया सारा घटनाक्रम रचा गया। लेकिन बहुत सारे नौजवान साथी जिहड़े इनोसेंट लोग सीगे जिहड़े आम लोग सी असीं पहला भी दो बारी मैं कह चुके हैं कि उत्थे उहनूं फड़ लिया उत्थे उहनूं फड़िया, एवें खलबली पंजाब दे विच इस तरह का माहौल बना दिता गया जिहदी कोई जरूरत नहीं सी। और असी भी कहा लोगों ने भी कहा कि आम जिहड़ा इनोसेंट व्यक्ति है उन्हें की पता भी मैं कितने चलिया, उन्होंने कोई मेरे वर्गा वगरा के लै गया कितने भी कोई गलत काम से लै गया, उन्होंने कार्रवाई करने की बजाए जिहड़ा इन्होंने मिशन चलाया सी वह मुकम्मल कार्रवाई करनी सी, वह तो कुछ होया नहीं। आ रोज़ की लड़ाई कदे जथेदार साहब के बारे कुछ कहता कदे फलां बारे कुछ लिखता, ये जनता का जिहड़ा ध्यान है भटका रहे ने ते जान बुझ के सरकारां स्क्रिप्टेड स्टोरी सुना रही हैं। और मैं पहला तो आज तो चार पांच महीने पहला तो एक ही गल कह रहा कि ये सारा कुछ एजेंसीज का काम है, पंजाब दे नाल खिलवाड़ करना, पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं खराब करना। ईवन की विधानसभा भी मैं कहता सी कि बंदे का कतल इत्थे हुंदा है ते फड़दी दिल्ली पुलिस है, बंदा इत्थों भजदा है पुलिस कस्टडी तो फड़ दिल्ली पुलिस लैंदी है, कोई ना कोई दाल विच काला है। सो ये हुण भी ज्वाइंट ऑपरेशन सी दोवां सरकारां दा, भाजपा दा ते आम आदमी पार्टी दा, कहिंदे सी ज्वाइंट ऑपरेशन है। और केजरीवाल साहब ने कहा कि बड़े भाई हमारा साथ दिया मोदी जी ने और सरकार ने, मेरे कहने का मतलब लोगों नूं बेवकूफ ना बनाउण। अज 15 दिनां दे विच किसे प्रकार की कोई
आउटपुट पंजाब दे लोगां नूं नहीं मिली, केवल मूर्ख बनाया गया। टीवी चैनलों ते रोजाना पंजाब दे बारे, पंजाब दे हालातां दे बारे सनसनी फैलाई गई कि आ हो रहा वह हो रहा है। पंजाब दे जिहड़े आम लोग है, आम नागरिक है, वो शांति प्रिय लोग है, पीस पसंद लोग है, अमन और शांति पालदे है, उन्होंने अज डर ते भय दा माहौल मुकम्मल तौर पर तैयार कर ए सरकारां दी दलाइकी। जथेदार साहब वालों एक ट्वीट किया जाता है भगवंत मान साहब लैके, वह ट्वीट बाद बैन भी हो जाता, उस तो बाद सीएम साहब भी कमेंट करते हैं जथेदार साहब, तो उस किस तरह मैनू लगता है कि दोवें इंस्टीट्यूट्स है ने किसी भी, बेशक जथेदार जी नाल बहुत वारी असी उन्हां दे विचारां दे नाल सहमत नहीं होंगे, बहुत बार असी जथेदार साहब के विचारां नाल सहमत नहीं होंगे, लेकिन किसी भी संस्था के प्रति या किसी भी संस्था के कोई भी, ना केवल जथेदार साहब, किसी भी संस्था के कोई भी आगू ने मुखी ने उन्हां दे बारे टिप्पा टिप्पणी करना कोई बहुत ही चंगी गल ते जायज़ गल नहीं है। सो मेरी सरकार नूं बेनती है कि अगर उन्होंने हुण भी कोई नौजवान साथी कोई डिटेन किया गया जिन्हां जिहड़े दोषी नहीं हन, दोषियों बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, जिस किसी ने भी गलती की है भावें वह राजा वड़िंग है, चाहे वह राजा वड़िंग है, पंजाब कांग्रेस का प्रधान है, तीन बार का MLA है, अगर कोई व्यक्ति मैं आपके कानून आपके हाथ च लैना बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, पर निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग, अनभोल लोग जिहड़े बेचारे करीहे पैके कई बार गलबात सुन के फेसबुक से कोई गलती कर बैठे, उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसा एक्ट या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी। देखो वीडियो के सामने ये अमित पाल दी, उन्होंने सरदार खान से भी गल भी कही है जो हल्ला तो लगता है कि सो मैं कोई किसी दी, क्योंकि मेरा सिर्फ, मैं कदे भी थोनू ये बेनती करनी चाहना, मेरा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई रोस नहीं है, मेरा उदों रोस होएगा जदों कोई पंजाब की आबरू नू दे बारे कुछ गल करेगा, जां पंजाब दे किसी जाति विशेष बारे गल करेगा, क्योंकि असी सैकुलर जमात है, कांग्रेस पार्टी ने शहादतां दे के जान दियां कुर्बानियां दे के इस पंजाबी शांति बहाल की है, अगर कोई शांति तोड़न की गल करेगा, चाहे वह सिख है, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वह गरीब भरा है, राजा वड़िंग ते कांग्रेस पार्टी खड़े होकर लड़ाई लड़ेगी, किसी कोई कोई गुरुआं की गल करे, कोई सरबत खालसे की गल करे, कोई अमृत छकाउण की गल करे, कोई वहीर लेके जाए, कांग्रेस पार्टी नू राजे वड़िंग नू कोई इतराज नहीं है, सिख धर्म का प्रचार होना चाहिए जिन्ना भी असी कर लिए, ना केवल सिख का, कोई हिंदू का प्रचार करता है तो सानू उन्हूं भी एप्रीशिएट करना चाहिए, असी सब कट्ठे हाँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति संस्था के नाते जां पॉलिटिकल दे नाते पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करे या कानून हाथ च लवे और बिल्कुल करड़े हाथी लेना चाहिए।